मैं सुलक्षणा पाटिल हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा मकसद है होने वाली हर घटना आप तक जरूर पहुँचाना। बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। यूपी के जनपद उन्नाव में अगणित भगवा ध्वजों, गगनभेदी शंखध्वनि, जय श्री राम के नारों से किया हिंदू शक्ति का प्रदर्शन। आज विगत वर्षों की भांति 6 दिसंबर को हिंदू जागरण मंच द्वारा शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। हजारों कार्यकर्ता, प्रांतीय मंत्री एवं प्रभारी विमल द्विवेदी के नेतृत्व में विशाल शौर्य यात्रा में सम्मिलित हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह विगत वर्षों से कुछ अधिक दिखा। जय श्री राम के नारे, हवा में लहराते भगवा ध्वज, गगनभेदी शंख ध्वनि कार्यकर्ताओं का उत्साह दुगुना कर रहे थे। राम मंदिर निर्माण के प्रश्न पर श्री द्विवेदी ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार को इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर जमीन का अधिग्रहण कर मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रस्तुत करना चाहिए। अब हिंदू समाज मानव सभ्यता की प्रथम राजधानी अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये भारतीय स्वाभिमान का प्रश्न है। यात्रा में प्रमुख रूप से मंच के जिला अध्यक्ष अजय द्विवेदी, नगर अध्यक्ष विकास सिंह आदि हजारों के राम भक्त मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। मंच उन्नाव में इसे शौर्य दिवस यात्रा के रूप में निकालता है। हम सब भारत सरकार से अब ये मांग करते हैं कि राम जन्मभूमि को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके उसे अपने कब्जे में लेकर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि अब हिंदू समाज बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करने के मूड में नहीं है। अब वो चाहता है कि मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण हो, और हम सब ये मांग करते हैं कि मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो, क्योंकि अब विलंब करना ठीक नहीं है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, यूपी में भी भाजपा की सरकार है, क्योंकि राम मंदिर पर ना ही अभी तक कानून बनाया गया है, ना ही अध्यादेश लाया गया है, इसको लेकर अभी तक जी अभी तक किसी भी तरह का जो कोर्ट में प्रतीक्षा की जा रही थी, कोर्ट ने लगातार तारीख पे तारीख देता जा रहा है। अब हिंदू समाज केंद्र सरकार से लगातार ये मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द उस पर एक कानून अध्यादेश लाकर मंदिर का निर्माण कराए, अन्यथा जो पूर्व में हिंदू समाज ने अपना मार्ग प्रशस्त किया था वो अपनाना पड़ेगा। और हिंदू जागरण मंच व समस्त हिंदू समाज मंदिर निर्माण बनाने के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। हम सब ये संकल्प लेके आज ये यात्रा निकाल रहे हैं कि मंदिर निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण हो। मोदी जी 2000 इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी राम मंदिर का मुद्दा लेके आए थे, इस बार अभी तक मुद्दा नहीं बना सकता तारीख के लिए, इस पे क्या कहना है? अगर अपने उसमें पूर्ण नहीं होता है उनका कार्य, अगर मंदिर निर्माण नहीं होता है तो हिंदू समाज उसके लिए अपना निर्णय लेने के लिए माने। 6 दिसंबर को संत समाज जब राम मंदिर की नींव रखने की बात कही गई थी, क्या है इसके लिए आगे की रणनीति? 9 दिसंबर को दिल्ली में धर्म सभा बुलाई गई है, इसके बाद मोदी जी से जो निर्णय आएगा या धर्म समाज आगे जैसा धर्म सभा आज जैसा निर्णय लेगी, हम सब उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और राम मंदिर निर्माण के लिए हम लोग जल्द से जल्द चुनाव से पूर्व ही राम मंदिर निर्माण का निर्णय लेना होगा, ये मोदी सरकार से हम लोग मांग करते हैं।